वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने रोड शो किया। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए रोड शो कर प्रचार किया और दोनों नेताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को जिताने की अपील करते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। रोड शो से पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन भी किया था और अब प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही डिंपल यादव दोनों एक साथ प्रचार कर रही है। ये वही सीट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है और डिंपल यादव और प्रियंका गांधी अजय राय के लिए वोट डाले। जनता उनसे अपील करने के लिए पहुंची है जनता के बीच में। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये काल भैरव मंदिर की तस्वीर है। काल भैरव जिसे कोतवाल भी कहा जाता है, काशी विश्वनाथ का, और पहले उन्होंने यहाँ पहुंचकर दर्शन पूजन किया, उसके बाद में पूजा अर्चना की और उसके बाद में जनता से बातचीत करते हुए ये तस्वीरें आप देखिए जहां वो जनता से वोट करने की अपील करती हुई नजर आ रही है। हालांकि 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़े और जीते, उसके बाद में 2019 में भी बीजेपी के खाते में ये सीट थी, हालांकि मार्जिन काफी ज्यादा बढ़ गया था। और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय राय को यहां से उतारा गया है और उनका कहना है कि वाराणसी का विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। और ये तस्वीरें आपके सामने, डिंपल यादव और प्रियंका गांधी दोनों जनता के बीच में हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की अपील करती हुई नजर आ रही हैं। तो कई किलोमीटर लंबा ये रोड शो चलेगा और इससे ठीक पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर दोनों ने पूजा अर्चना भी की।